अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट फ्री कोर्स का पीपीसी के हवाले से कि अमेजोन पीपीसी क्या होती है, इसकी कितनी टाइप्स हैं और ये किस वक्त हमने यूज़ करनी है जब हमने प्रोडक्ट लॉन्च करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पीपीसी के बारे में जानते हैं कि पीपीसी होती क्या है। पीपीसी एक एडवर्टाइजिंग कंपेनी के हवाले से, मतलब कि अमेजोन आपको एक टैब अलाउ करता है जहाँ पर आप जाके अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर। ठीक है, तो पीपीसी का मकसद होता है कि आप अपने जो न्यूली प्रोडक्ट लॉन्च की हुई है, जो कि लास्ट पेज पर या सेकंड लास्ट पेज पर है, तो वो आप कंपेन चलाकर उसको फर्स्ट पेज पर शो करवा सकते हैं किसी भी बायर को। तो ये अमेजोन आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप अमेजोन के टैब पर ही रहते हुए आप अमेजोन प्रोडक्ट को अपने अमेजोन के कैटलॉग के ऊपर आप शो करवा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के पेजेस पर शो करवा सकते हैं। तो इसकी टाइप्स की पीपीसी होती है पे पर क्लिक, मतलब कि जब भी आप कस्टमर को, जब भी आप अपनी कंपेन रन करते हैं तो आपकी कंपेन जब प्रोडक्ट पेजेस पर शो हो रही होती है, तो कोई भी बायर आके कीवर्ड सर्च करता है आपके प्रोडक्ट के रेलिवेंट और आपकी प्रोडक्ट उसको शो होती है, तो उस पर जब भी क्लिक पड़ेगा तो अमेजोन आपसे उस क्लिक के बदले में जो भी आपने बिल लगाई हुई है, मतलब जो भी आपने प्राइस लगाई हुई है कि ये क्लिक पड़ेगा तो मैं इतने अमेजोन को पे करूंगा, तो वो अमेजोन आपसे चार्ज कर लेगा। ठीक है, तो बाकी डिटेल हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि जब हम कंपेन क्रिएट कर रहे होते हैं। तो मेन मकसद यही है कि पे पर क्लिक, पीपीसी का मतलब है पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग। ठीक है, कि जब भी क्लिक पड़ेगा बायर आपके प्रोडक्ट पर क्लिक करेगा, जो एडवर्टाइज हो रही होगी आपकी प्रोडक्ट उस पर क्लिक करेगा, तो तब भी आपको पे करना पड़ेगा वरना पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपली यही मीनिंग है इसकी। तो यहाँ क्रिएट मतलब कि यहाँ पर टाइप कहाँ पर होता है पीपीसी का, कहाँ से जाके हमने क्रिएट करनी होती है, और इसकी टाइप्स कितनी है कि इसकी तीन टाइप्स होती हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पर आते हैं हम एडवर्टाइजिंग में आते हैं। ठीक है, ये आपका सेलर सेंटर है, उसके बाद कंपेन मैनेजर में आप क्लिक करते हैं। यहाँ पे कंपेन मैनेजर पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। ठीक है, इस डैशबोर्ड में हमें तीन, यानी कि हमें बता रहा है कि तीन टाइप्स होती हैं पीपीसी को, यानी कि लॉन्च करने के लिए। फर्स्ट कौन सी है? स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, सेकंड है स्पॉन्सर ब्रांड्स, और थर्ड है स्पॉन्सर डिस्प्ले। स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स क्या होती हैं कि इसमें आप किसी भी कीवर्ड के अगेंस्ट या किसी भी एसन के अगेंस्ट आप अपनी प्रोडक्ट को रैंक करवा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को आप शो करवा सकते हैं किसी भी कीवर्ड या अपने एसन के जरिए, जिस भी प्रोडक्ट के पेजेस में आपने अपने आप प्रोडक्ट को शो करवाना है तो वहाँ पे आप इस कंपेन को चला के, यानी कि आपने इस प्रोडक्ट को शो करवा सकते हैं। ठीक है, नीचे इसके ये लिखा हुआ भी है कि प्रमोट प्रोडक्ट टू शॉपर एक्टिवली सर्चिंग विद रिलेटेड कीवर्ड एंड व्यूइंग सिमिलर प्रोडक्ट ऑन अमेजोन, मतलब कि जो भी आपके प्रोडक्ट के सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं उनके पेजेस पर आप शो करवा सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, और उसके बाद आप अपने की जो रेलिवेंट कीवर्ड हैं, फॉर एग्जांपल आपका पेपर प्लेट्स आपके एक रेलिवेंट कीवर्ड है, तो आप पेपर प्लेट्स को टारगेट करेंगे, जब भी कस्टमर सर्च करे पेपर प्लेट्स तो आपके प्रोडक्ट के स्पॉन्सर में शो हो, कि उसको एडवर्टाइजिंग हो रही होगी तो आपके प्रोडक्ट स्पॉन्सर में शो होगी, और जब भी वो कस्टमर पेपर प्लेट लिखता है और आपके प्रोडक्ट पर जाता है तो आपके प्रोडक्ट जब उसको शो होती है वहाँ पर क्लिक करता है तो आपको अमेजोन चार्ज कर रहा है, चाहे वो बाय करे या ना करे लेकिन अमेजोन आपसे चार्ज कर लेगा। ठीक है, तो एक जब बायर आता है तो वो एक ही दफ़ा अगर क्लिक करके जाता है, दोबारा आके वो क्लिक करेगा तो वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, एक यूनिक कस्टमर आके क्लिक करेगा तो वो काउंट होगा, वरना एक ही कस्टमर बार बार आता है तो वो, यानी कि काउंट नहीं होगा उसमें आपकी, यानी क्लिक थ्रू में। ठीक है, उसके बाद सेकंड है स्पॉन्सर ब्रांड्स। ठीक है, स्पॉन्सर ब्रांड्स का मतलब होता है कि आपके प्रोडक्ट यहाँ पर शो होती है, ये है सर्च बार। ठीक है, अमेजोन की जहाँ पर कोई भी कीवर्ड या एसन आप टाइप करेंगे तो आपके यहाँ पर स्पॉन्सर ब्रांड ओपन होगा, जहाँ पे आपको ब्रांड का पूरा पेज शो होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका लोगो शो होगा, यानी कि कोई भी आपकी प्रोडक्ट चल रही होंगी तो जो भी आपने लगानी होंगी स्पॉन्सर ब्रांड में वो शो हो रही होंगी, यहाँ पर आपके एक प्रोडक्ट शो होगी, दूसरी प्रोडक्ट शो होगी, थर्ड प्रोडक्ट शो होगी। ठीक है, तो इस तरह आपके स्पॉन्सर ब्रांड्स का शो होगा। हेल्प शॉपर डिस्कवर योर ब्रांड एंड प्रोडक्ट ऑन अमेजोन विद रिच एंड एंगेजिंग क्रिएटिव। ठीक है, यहाँ पर आपके ब्रांड वो कस्टमर, यानी कि जो भी आप अगर ब्रांड रजिस्टर करवा लेते हैं अमेजोन से, तो उन्हीं ब्रांड्स को अलाउ होता है जो ब्रांड्स रजिस्टर होते हैं, जिनका ट्रेडमार्क रजिस्टर होता है अमेजोन के थ्रू। ठीक है, तो वो यानी कि उनको अलाउ होता है कि वो स्पॉन्सर ब्रांड की कंपेन को लॉन्च कर सकते हैं। स्पॉन्सर डिस्प्ले भी इसी तरह होता है कि वो भी अपने, यानी कि प्रोडक्ट को शो करवा सकते हैं, आप अपने पूरे ब्रांड को शो करवा सकते हैं अमेजोन के ऊपर,
जब आपका ब्रांड रजिस्टर हो जाता है तो यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट शो होती है किसी भी पेज के अंदर। जब एक प्रोडक्ट पेज को आप ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपकी प्रोडक्ट को शो होती है। ठीक है, ये तीन टाइप्स हैं पर यानी कि अमेजोन पे पीपीसी की। फर्स्ट है जहाँ पर आपको ब्रांड रजिस्टर करवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप ब्रांड बगैर ब्रांड रजिस्टर करवाए भी आप इसको लॉन्च कर सकते हैं, मतलब कि इस कंपेन को आप चला सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के ऊपर। ये दो जो स्पॉन्सर ब्रांड्स हैं और स्पॉन्सर डिस्प्ले हैं, इनके लिए आपको ब्रांड रजिस्टर करवाना लाजमी होता है। ठीक है, क्योंकि मेरा ब्रांड रजिस्टर नहीं है तो इस वजह से यहाँ पे ये कह रहा है कि इनरोल योर ब्रांड, इनरोल योर ब्रांड मतलब कि अपना ब्रांड रजिस्टर करवाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते हैं, उसके बाद अमेजोन के थ्रू आप इसको ब्रांड को रजिस्टर करवाते हैं, तब आपको ये दो ऑप्शन अलाउ हो जाते हैं। इस तरह के कंटिन्यू का ऑप्शन यहाँ पर अलाउ हो जाएगा जब आपका ब्रांड रजिस्टर हो जाए। तो ये तीन टाइप्स हैं जो आप यानी कि अपने प्रोडक्ट को पर पीपीसी चलाने के लिए ये तीन टाइप्स आप यूज़ कर सकते हैं। ये दो ब्रांड रजिस्टर के लिए हैं और बाकी ये है जो बगैर ब्रांड रजिस्टर भी हो सकती है, यानी कि आप इस पे कंपेन को क्रिएट कर सकते हैं। अब थर्ड जो आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि पीपीसी कब लॉन्च करनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देख लेना है कि आपकी लिस्टिंग कंप्लीट है कि नहीं है। लिस्टिंग फुली ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। फुली ऑप्टिमाइज का मकसद क्या होता है कि आपकी जो फर्स्ट पिक्चर है हमेशा वो एंगेजमेंट यानी कि उसके यानी कि अट्रैक्टिव होनी चाहिए, उसका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और उसके पिक्सल भी अच्छे होने चाहिए, यानी कि 1000 बाय 1000 पे होने चाहिए, तो पिक्सल अच्छे होने चाहिए। ठीक है, जितने पिक्सल अच्छे होंगे उतनी प्रोडक्ट की यानी कि क्वालिटी अच्छी होगी, मतलब क्योंकि जब भी आपके बायर एज अ बायर आप सोचें, जब भी आप प्रोडक्ट पेज पर जाते हैं अपना कीवर्ड को भी सर्च करते हैं जो भी प्रोडक्ट आप परचेज करना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी पिक्चर देखते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट की पिक्चर रिप्रेजेंट आपकी प्रोडक्ट को कर रही होती है, तो आपने प्रोडक्ट की पिक्चर हमेशा मेन पिक्चर जो है हमेशा अट्रैक्टिव बनानी है। उसके बाद बाकी पिक्चर हैं वो डिस्प्ले पिक्चर जो होती हैं जो उनको ग्राफिक बनाना है, क्योंकि इन्फोग्राफिक होती है। इसमें क्या होता है कि आप उसको डिस्प्ले करते हैं, मतलब कि उसके यूजेज बताते हैं बाकी पिक्चर के अंदर जो आप, बाकी टोटल 9 पिक्चर अलाउ होती हैं, उसमें से आप अगर 7 भी बना लेते हैं, एक पिक्चर जो मेन हो गई वाइट बैकग्राउंड की, बाकी जो 6 पिक्चर हैं उनको आप रिप्रेजेंट करवाएं, मतलब कि उसको डेली यूज़ के किस तरह यूज़ होती हैं वो भी पिक्चर में शो करवाएं, उसके बाद उसका साइज़ शो करवाएं, उसके बाद उसके फीचर बयान करें और बाकी चीज़ें जो भी हैं आप उसके बाकी 6 पिक्चर में आप उसको शो करवाएं। ठीक है, ताकि कस्टमर आपके फर्स्ट जो मेन पिक्चर अट्रैक्टिव होगी तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट के ऊपर आके क्लिक करेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड टाइटल आपने अट्रैक्टिव रहना है, शॉर्ट सा हो लेकिन अट्रैक्टिव होना चाहिए। शॉर्ट से इस तरह होना चाहिए कि उसमें तमाम फीचर भी हों, उसमें आपके मेन कीवर्ड्स भी हों, जो एक या दो आप कीवर्ड पुट करना चाहें, उसके बाद उसमें कितने का सेट सेल कर रहे हैं या कोई कलर सेल है, कलर के वेरिएशन है, साइज की वेरिएशन है, वो आपने शो करवानी है ताकि कस्टमर आके ऊपर क्लिक करे। ठीक है, उसके बाद फोर्थ जो है उसकी प्राइस का भी आपने चेक करना है कि प्राइस उसकी यानी कि दूसरे जो ब्रांड्स हैं आपके साथ जो सेम ही सेल कर रहे हैं आपके कंपेटिटर हैं उनकी प्राइस को देख कर ही आपने अपनी प्राइस रखनी है ताकि कस्टमर आके आपके प्रोडक्ट पर क्लिक करे। जितने ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट पे क्लिक्स होंगे उतने ज़्यादा आपको अमेजोन प्रमोट करेगा फर्स्ट पेज के ऊपर, जब आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी तो कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट को बाय करेंगे, आपको ऑर्गेनिक पे ऑर्डर भी आएंगे और पीपीसी के ऑर्डर भी आएंगे जब आप पीपीसी लॉन्च करेंगे। तो आपने मस्ट पहले 5 to 10 रिव्यूज या 4 to 5 रिव्यूज आपने लेने हैं, तब जाके आपने पीपीसी लॉन्च करनी है। स्टार लेवल में आपने पीपीसी लॉन्च नहीं करनी है। ठीक है, अगर स्टार लेवल में आप पीपीसी को लॉन्च कर लेंगे आपके प्रोडक्ट पर रिव्यू नहीं होंगे तो कस्टमर को क्लिक तो करेगा लेकिन आपके प्रोडक्ट को बाय नहीं करेगा। ठीक है, तो आपने फर्स्ट क्या करना है कि प्रोडक्ट के जो पिक्चर वगैरह वो कंप्लीट कर लेनी है, उसके बाद टाइटल अच्छे से बनाना है, उसके बाद आपने प्राइस अच्छी सी यानी कि कंपेटिटर को देख के रख लेनी है, उसके बाद आपने उस पर लिस्टिंग प्रमोटर से करवा लें या कोई भी दोस्त वगैरह हैं जहाँ पर भी आपके दोस्त वगैरह हैं जो आप आपके प्रोडक्ट को परचेज करके आपको रिव्यू दे सकें, तो आपने अपनी हेल्प जिस तरह भी हेल्प करवा सकते हैं आप करवा सकते हैं, तो आपने 5 रिव्यूज मस्ट ले कराने हैं। ठीक है, चाहे वो पिक्चर रिव्यूज़ हों चाहे वो टेक्स्ट रिव्यू हों, आपने रिव्यूज़ या रेटिंग हो वो ले करानी है 5। ठीक है, जब 5 रेटिंग आ जाएंगी तो आपकी प्रोडक्ट जब पीपीसी चल रही होगी तो आपकी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पर शो हो रही होगी, तो वो प्रोडक्ट एक अच्छी सी यानी कि डिस्प्ले के अंदर शो हो रही होगी, आपको मेन पिक्चर भी अच्छी नज़र आ रही होगी, उसके बाद नीचे रेटिंग होगी वो आपका फीडबैक शो करवा रही होगी कि आपके फीडबैक किस तरह है, तो वो शो करवाइए, तो मस्ट बायर आपके यानी कि ऐड टू कार्ट ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इस तरह आपके प्रोडक्ट रैंक भी अच्छी करेगी और उसके बाद आपके ऑर्डर पीपीसी से भी ज़्यादा आएंगे आपका, यानी कि एक कॉज होगी जो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एक कॉज क्या होती है, बाकी जो छोटे छोटे यानी कि उनकी चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे कि वो क्या होती हैं और कंपेन को किस तरह क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम स्पॉन्सर प्रोडक्ट कंपेन क्रिएट करेंगे किस तरह क्रिएट की जाती है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर तक, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।